हेलो गाइस, वेलकम टू इंजॉय एस के ब्लॉग। आज हम जाएंगे हमारे फ्रेंड के पास, उसकी बाइक का कुछ एक्सीडेंट हो गया है। मुझे कॉल करके बोल रहा था वो कि भाई कोई तेरे पहचान का गैरेज है तो मुझे बता, मेरी बाइक बनाने का है। तो अभी हम चलेंगे उसकी बाइक लेकर गैरेज पर, क्या क्या डैमेज हुआ है, क्या क्या टूटा है और कितना खर्चा होने वाला है सब हम जानेंगे। और वहीं जाके सब बनाने देंगे हमारे दोस्त के पास। गैरेज वाला भी हमारा दोस्त ही है, जो बाहर का नहीं है। तो अभी उसे हम कॉल कर लेते हैं, वहाँ पे वो रेडी हुआ कि नहीं हुआ पूछ लेते हैं उसको भी। ए इधर से प्रीतेश, ये गली है। मैं गली भी भूल जा रहा भाई, कल ही शाम से मेरे साथ में आया था। गली भी आदमी से आगे भाग जा रहा। ओ उस्ताद मुंह चुपा के बैठे भाई, चलना पड़ता है मेरा से भाई। इधर पीछे लगा दे, चलेगा। इधर ले ले, शकीर कर रहा ना भाई। अपने गाड़ी का भी कर रहा भाई, तू कर रहा वो ये करेंगे, तुम कर रहे ना गाड़ी का काम अपने केटीएम, उस वाली केटीएम का। कौन सी गाड़ी का इंजन है ये? ओल्ड वाली है क्या? न्यू वाली है? अर्षद भाई, अभी मतलब पहले तो उसका हैंडलिंग लेके जाएंगे ना अपन, तो एकदम से स्टार्टिंग में सब बता देना क्या क्या गया है, तो अपन वो हिसाब से फिर ये करेंगे। रिवर्स में डालेंगे ना, रिवर्स में ले, रिवर्स में लेग गार्ड तो सही हो जाएगा ना, लेकिन भाई अपने अभी हैंडल खोलने की तैयारी कर रहे हैं। पूरा हैंडल निकालना पड़ेगा इसका, क्योंकि हैंडल बैंड हो चुका है ना, इसके वजह से हैंडल निकालना पड़ेगा। हैंडल निकाल के सीधा करने के लिए देने जाएगी अभी, उसके लिए पूरा सब खोलना पड़ेगा, गार्ड और सब निकालना पड़ेगा, मिरर निकालना पड़ेगा। मेरे पहले वाली गाड़ी में भी लगा था, मैंने खोल के फेंक दिया था। कौन सा वारन पे? नहीं, केटीएम में, डुक में एक गार्ड लगा के दिया था उसने। घर पे आया, घर पे ले गया, जिस दिन ले गया उसी दिन निकाल के फेंक दिया। तेरी नसीब अच्छा, ज़्यादा खर्चा नहीं बेटा, अगर ज़्यादा घुस जाता ना तो तेरे वाट लग जाता था। सर्विस सेंटर के सिवा फिर तो किधर देना नहीं पड़ता था, सर्विस सेंटर ही जाना पड़ता था। कम ही लगा है, ना मालूम भी नहीं पड़ा कि गाड़ी गिरा है करके, घसड़ा वसड़ा भी नहीं लगा बॉडी पे। गाइस आप लोग एक बार ही देख रहे हो, हैंडल खोलने के लिए कितने चुटकुले करने पड़ रहे हैं, क्या क्या निकालना पड़ रहा है हैंडल निकालने के लिए। एक हैंडल की वजह से इतना इतना सब खोलना पड़ रहा, पूरा खोलने के बाद ही हैंडल बाहर आएगा। एक केटीएम नहीं, सर दर्द गाड़ी है भाई, एकदम संभाल के चलाना पड़ता, संभाल के नहीं चलाए तो भाई समझो खत्म, गाड़ी भंगार।
ऐसी चीज़ है गाड़ी है क्योंकि तो इसका ज़्यादा कुछ होगा इसका सर्विस सेंटर भी देना पड़ेगा, कोई लोकल गैरेज वाला कर ही नहीं पाएगा ऐसा काम कभी सर्विस सेंटर के सिवा। मार्केट गया लगता दादा, फोन वैसे फ़ोन नहीं उठाया। एक हैंडल खोलने के लिए क्या खोलना पड़ रहा था, एक पूरे हैंडल को लंगा करना पड़ा उसका, तो हैंडल बाहर आएगा। नहीं कोई भी गाड़ी का तो हैंडल खोलने का तो इतना मगजमारी है ही है, पूरा सब निकालने के बाद भी फिर तेरा हैंडल बाहर आएगा तो हैंडल गाड़ी के साथ में लटका रहेगा, तो ये सब खोलेगा नहीं। फैसल का नहीं है, किधर होएगा नहीं होगा, राइट वाला मिरर भी है बराबर करने का। दोनों मिरर बैंड है तेरा? नहीं राइट वाला थोड़ा चिपक गया लगता है इसमें, बहुत टाइम हो गया ना इसके वजह से। ये रेंद उन्होंने तो नहीं निकाले भी चलेगा ना? नहीं निकाले भी चलेगा ना? योग कैसे निकलेगा क्या, ये कैसे निकलेगा? योग तो निकलना चाहिए। ठीक है निकला ना कहाँ? नहीं ये इसका भी हैंडल का जहाँ टाइम करता ना चिपक जाता ना, अंदर पकड़ लेता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। डायरेक्ट नटते नहीं खुलते क्या वो? अच्छा लूज वाला सिस्टम दिया है क्या? वो सारा खुलता है, ये सब नहीं खुलता। इधर पत्थर का टाके दिया है वे। हाँ यार अभी आवाज़ आया तो मेरे को मालूम पड़ा भाई फाइबर का समझ रहा था इतने टाइम से। एक तरह बैंड वाला देखा था, कलर ही उड़ गया था किसका। अभी इतनी से गर्म करके ना आराम आराम से बैंड करेगा वो, एक ही बार में बिना गर्म करके करने जाएगा ना टूटने का डर रहेगा। ये भी लेके जाना, कल तो धुलाया नहीं गाड़ी को। थोड़े दिन पहले मेरी गाड़ी देखता तो डर जाता था। अरे बारिश ऐसे तो नहीं होता है। चल सजी भी रहो, हाँ कॉल करो हो जाएगा। बाहर भी ऑफिस में जाने के जरा काम से जैसा होता है ऐसा कॉल कर दे, लेकिन फटाफट करता। हाँ कहाँ है हेलमेट तो ले अपना, अबे उधर हेलमेट। जब तक गए अपनी गाड़ी काम कर रहा, हम लोग थोड़ा घूम के आते फायर से, कब तक बैठे थे घर पर गए क्या बैठ बैठ के। A few moments later, 2000 years later, 1 eternity later. शिट यार गाइस, आप लोग देख रहे हो बारिश की वजह से हमारा गाड़ी का काम रुक गया है। अचानक बारिश होने लग गई, दिन भर अच्छा धूप था तभी अचानक शाम के टाइम में बारिश होने लग गया, हमारे गाड़ी का काम भी रुक गया। जब हमें लगता नहीं हमारे गाड़ी का काम हो पाएगा, कल ही शायद से गाड़ी लेना पड़ेगा, तो बारिश की वजह से कुछ काम हो ही नहीं पा रहा है। इधर पर पूरा भीग गया, पानी वानी भर चुका है, क्या करेंगे यार। कल ही देखते कल ही आके गाड़ी लेके जाएगी। गाइस अभी तक खाली हैंडल का काम ही हुआ है, हैंडल खोल के बनाने के लिए दिए, हैंडल तो आ गया लेकिन फिट नहीं कर पाया अभी तक का, क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश में कुछ काम ही नहीं हो रहा है। पूरा भीग गया पूरा, सब गाड़ी वाड़ी गीला हो चुका है और लेग गार्ड का काम भी बचा हुआ, लेग गार्ड का काम तो हुआ ही नहीं अभी तक का। लेग गार्ड को भी लेके जाने का था बिल्डिंग वाले के पास, पीछे इंडिकेटर बाकी है, इंडिकेटर का काम भी नहीं हुआ। मैं फोन करता हो जाएगा ना, मैं तो फोन करता बता दूँ। भाई बारिश तो बहुत जबरदस्त पकड़ लिया यार, बारिश से मुझे लगता नहीं रुकेगा बारिश, तो बादल पूरे एकदम छाया हुआ सब जगह। बारिश की वजह से क्या हमारा गाड़ी का काम भी नहीं हुआ, हैंडल जो फुल के लेके गया बस, और गाड़ी उल्टी पड़ी थी, बारिश की वजह से पूरा काम रुक गया हमारी गाड़ी का। अब गाड़ी आज मिलेगा या कल मिलेगा वो भी नहीं पता यार।
गाइस पूरा भीग चुका हूँ मैं, मुझे ठंडी लग रही है अभी। फटाफट चलते हैं घर पे जाए कपड़े वपड़े चेंज करते हैं। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, बाय बाय, गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो पर।